हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल फ्लाई विद क्रिश में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप देना चाहते हैं मुझे कोई भी सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन क्यों एक्सप्लोड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा नॉलेज से भरपूर, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुभारम्भ। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन एक्सप्लोड तो आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा। सैमसंग, एप्पल, शाओमी, कई सारे ऐसी मोबाइल कंपनीज हैं जिनके मोबाइल फ़ोन्स एक्सप्लोड हो चुके हैं। अब दोस्तों, मोबाइल फ़ोन एक्सप्लोड होने से कई लोगों की जान भी गई है और कई लोगों को ऐसा नुकसान भी हुआ है जो शायद वो कभी भी ठीक ना कर सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे रीज़न्स जिनकी वजह से फ़ोन एक्सप्लोड होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जिससे फ़ोन एक्सप्लोड हो सकते हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब वो डिफेक्ट जो आपके फ़ोन लेने से पहले ही फ़ोन में था। मतलब फ़ोन में मान लीजिए कोई बैटरी है जिसमें कोई फॉल्ट है, या कंपनी ने उसे ढंग से टेस्ट किए बिना ही फ़ोन में डाल दिया या अलग से शिप कर दिया और बाद में आपने उस बैटरी को खरीद के यूज़ किया। तो फ़ोन में होता यह है कि ओवर हीटिंग की वजह से या ओवर चार्जिंग की वजह से वो बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और वो रीज़न हो सकता है कि आपका फ़ोन एक्सप्लोड हो जाए। मतलब जब आपकी बैटरी ओवर हीट हो जाती है तो वो स्वेल होना शुरू हो जाती है और बाद में वही बैटरी एक्सप्लोड हो जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से बचने के लिए आप बस यही ट्राई कीजिए कि आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कंपनी की ही बैटरीज़ खरीदें। अगर आप एक्स्ट्रा बैटरीज़ खरीदते हैं अपने फ़ोन के लिए, कभी भी सस्ती बैटरीज़ के चक्कर में ना पड़े। अब दोस्तों, जो दूसरी चीज़ जिससे आपका फ़ोन एक्सप्लोड हो सकता है वो है थर्ड पार्टी चार्जर्स, मतलब वो चार्जर्स जो लोग ज़्यादातर खरीद लेते हैं जब उनके कंपनी के चार्जर्स ख़राब हो जाते हैं। मतलब दोस्तों, ये चार्जर ज़्यादातर 100-200 रुपए के आ जाते हैं और लोग उन्हें सस्ते के चक्कर में खरीद लेते हैं, और यहाँ वो कर देते हैं सबसे बड़ी गलती। क्योंकि दोस्तों, इन चार्जर्स में वो सेंसर नहीं होते जो डिटेक्ट कर सके कि आपके फ़ोन को कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक्सेस करंट आपके फ़ोन में भेजते रहते हैं जिसकी वजह से आपके फ़ोन में ओवर करंट फ्लो हो जाता है, और इसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो ओवर हीट हो जाती है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी आपके फ़ोन में हो सकता है। तो इससे भी आपका फ़ोन एक्सप्लोड हो सकता है। तो ट्राई ये कीजिए कि कभी भी थर्ड पार्टी चार्जर्स, मतलब सस्ते चार्जर्स के चक्कर में ना पड़े और हमेशा कंपनी के ही ऑफिशियल चार्जर्स यूज़ करें। अब दोस्तों, तीसरी चीज़ जिससे आपका फ़ोन एक्सप्लोड हो सकता है वो है ओवरनाइट चार्जिंग। मतलब ये है कि रात को सोने से पहले अपना फ़ोन चार्ज पे लगा के सो जाना, जो हम में से कई लोग करते हैं। बट आजकल फ़ोन्स में कई सेंसर्स लगे हैं जिससे जब फ़ोन में 100% चार्जिंग हो जाती है तो वो करंट फ्लो को रोक देता है। मतलब जो एक्सेस करंट है वो फ़ोन में नहीं घुस पाता। पर अभी भी कई ऐसे फ़ोन्स हैं मार्केट में जिनमें ये सेंसर्स नहीं लगे, तो इसमें जो ओवर करंट है फ़ोन में फ्लो होता रहता है और फ़ोन की बैटरी इसमें ओवर हीट हो जाती है और फिर फ़ोन एक्सप्लोड हो जाता है। तो कभी भी अपने फ़ोन्स को रात को चार्जिंग पे ना लगाएं अगर आप 10,000 से नीचे का फ़ोन यूज़ करते हैं, मतलब अगर आप बजटेड फ़ोन्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं में ये फ़ीचर्स अभी नहीं दिए जा रहे हैं। अब दोस्तों, चौथी चीज़ जिससे आपका फ़ोन एक्सप्लोड हो सकता है वो है प्रोसेसर का ओवरलोड होना। मतलब ये कि कई बार हमारे फ़ोन में जो प्रोसेसर, रैम, ये सब होती हैं वो काफ़ी स्लो होती है या काफ़ी कम होती है, पर जब इनमें हम बड़ी फाइल्स डालते हैं, जैसे मान लीजिए हम पबजी खेलते हैं तो वो एक हाई ग्राफिक गेम होती है, या कोई भी एक हाई ग्राफिक गेम खेलते हैं, तो इससे हमारा जो प्रोसेसर है वो ओवरलोड हो जाता है, वो लोड नहीं ले पाता क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती। तो इससे जो हमारा प्रोसेसर है वो बैटरी को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देता है और ओवर हीटिंग की वजह से बैटरी एक्सप्लोड हो सकती है। तो जब भी आप कोई ऐसी हैवी गेम्स खेलें या कोई ऐसे बड़े ग्राफिक की गेम खेलें तो ये चेक करें कि कहीं आपका फ़ोन इस गेम को खेलते वक्त ओवरहीट तो नहीं हो रहा। अगर होता है तो उस गेम को तुरंत डिलीट कर दे, क्योंकि ऐसे में आपका फ़ोन एक्सप्लोड हो सकता है। बाकी आजकल बड़े फ़ोन्स में थर्मल लॉक का फीचर दिया जा रहा है, जिसमें फ़ोन्स का जो प्रोसेसर है और हीटिंग है उस पर चेक रखा जा रहा है, कंट्रोल रखा जा रहा है, पर कई बार ये कंट्रोल फेल हो जाता है जिसकी वजह से फ़ोन एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो जब भी गेम्स खेलते वक्त या ऐप्स को यूज़ करते वक्त अगर आपका फ़ोन हीट हो जाता है तो अपने फ़ोन को कुछ टाइम के लिए दूर रख दें जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता, और ऐसे केस में भूल के भी अपने फ़ोन को चार्ज पे ना लगाएं।
अब दोस्तों पांचवी और आखिरी चीज जिससे आपका फोन एक्सप्लोड हो सकता है वो है अपने फोन को एक्सेस हीट के नीचे रखना। मतलब कई बार हम अपने फोन को गाड़ी के डैशबोर्ड या किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जहां पे डायरेक्ट सनलाइट या कोई गर्म एरिया होता है। इससे ये होता है कि हमारा फोन जो है वो काफी ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है और गर्म होने की वजह से जो फोन के अंदर बैटरी होती है वो स्वेल होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो फट जाती है, मतलब एक्सप्लोड हो जाती है। तो कभी भी अपने फोन को गर्म एरिया में ना रखें और डायरेक्ट सनलाइट के नीचे ज्यादा देर तक ना रखें। तो हमेशा अपने फोन को रूम टेम्परेचर में ही रखें ताकि आपके फोन की जो बैटरी है वो नॉर्मल कंडीशन में रहे और एक्सप्लोड ना हो। दोस्तों इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि कभी भी अपने फोन को ओवर यूज या मिस यूज ना करें और कभी भी अपने फोन को गर्म एरिया या डायरेक्ट सनलाइट के नीचे ना रखें, क्योंकि आजकल कई बड़ी कंपनियों की फोन्स एक्सप्लोड हो रहे हैं और इससे कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन कभी भी एक्सप्लोड ना हो। बाकी क्या आपका फ़ोन गेम्स खेलते वक्त ओवरहीट होता है या कौन सी ऐप यूज़ करते वक्त आपका फ़ोन ओवरहीट होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको आई हो पसंद। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब लूँगा आपसे इजाज़त, मिलूँगा कल फिर एक नई अपडेट एक नई खबर के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।